मो आदर्श विद्यालय यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यही चैनल रे इम्पैक्ट 10 और हनीसकल समस्त चैप्टर भिडियो अपलोड हो सारी तार लिंक मु ऊपर आए बटन रे और तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवि। आप चाहिए ता देखिपारे। आज आम फेयर प्ले रो क्वेश्चन आंसर सब करवा। ए नंबर सब क्वेश्चन आंसर सब एटा मु कर देछि ता देखिदेबे। बी नंबर हु सेज दिस टू होम एंड व्हाई, किए क्या कहते हैं कहीं कहते। तो एक नंबर माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मो स्त्री जाने घर केमती चलो। एटा जुमन सेड दिस वर्ड्स टू हिज आंट बिकॉज ही डिड नॉट वांट हर एनी मोर इन हिज हाउस। एटा जुमन ता आंटी को कही कहीं से आंटी को आउ घरे रखा चाहूना। दुई नंबर बट इज इट राइट माय सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। एटा कौन ठीक मो पु जे सब जाणिकी चुप रहिबा एवं किछि न कहिबा। एटा कहितले द आंट सेड दिस वर्ड्स टू अलगु एज अलगु वाज अनविलिंग टू बी द हेड पंच। एटा आंटी कहितले अलगु को काहे कि ना अलगुटा मना करथला हेड पंच हेबा पई। तीन नंबर व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम डिफेंस रे कौन कहबार अच्छी। एटा अलगु सेड दिस वर्ड्स टू जुमन, एटा अलगु जुमन को कही बिकज ही वांटेड टू नो द केस, कहीं से केस बाबद जाना चाहूला। चार नंबर आई कैंट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मु तुमको टंकाटीए गोटे पैसा देवीनि तुम्हें जो खराब जिनसटा मते बिक्री कर। एटा समझू साहू सेड दिस वर्ड्स टू अलगु बिकज द बुलक डायड विदिन ए मंथ एंड द पेमेंट वाज नॉट सेटल्ड। एटा समझू साहू अलगु को कहीदेला कहीं से बलदटा गोटे मसरे मर जाइथिला एवं पेमेंटटा हेइ नथिला। पाँच नंबर विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्टिस, एटा अलगु साउटेड आफ्टर द जजमेंट इन हिज फेवर। एटा अलगु चिल्ले के कहीदेला जितेबेले जजमेंटा ता फेवर रे आस्थिला। सी नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर देन द सिचुएशन चेंज्ड व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू, तापरे अवस्थाटा सिचुएशनटा चेंज हो गला एटा कौन दर्शाउची। तो सिचुएशन चेंज्ड रेफर्ड टू दैट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तापरे अवस्थाटा परिवर्तन हैला जेतेबेले कि आंटीटा जुमन नारे सबु तांको प्रॉपर्टीटा लिखिदेले। जुमन टुक केयर ऑफ हिज आंट फॉर ए कपल ऑफ इयर्स, 2 वर्ष पर्यंत जुमनटा ता आंटीर देखभाल कला बट आफ्टर दैट जुमन इग्नोर्ड हार्ड, आउ तापरे जुमनटा तांको इग्नोर करबाको बसिला अनदेखा करबाको बसिला। एंड हिज वाइफ आल्सो स्टार्टेड टू इल ट्रीटिंग हार, आउ तापरे जुमनर स्त्री मध्ये तांको भल व्यवहार देले नाही। 2 नंबर when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जितेबले आंटी अनुभव कले जे से आओ तांको घरे रहबा कथा नहे सेतेबेले से कोन प्रस्ताव देले। when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested for a monthly allowance from Juman by which she wanted to cook her food. जितेबले आंटी जानीपारे जे बुझीपारे जे तांको आउ से घरे से माने रखबेनी सेतेबेले से प्रस्ताव देले जुमन को जे तांको किसी मासिक भत्ता दिया जाओ जा द्वारा कि से निजर खाइबा खर्च वहन करिवे। 3 नंबर व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम, विलेजर्स बा गाँ लोक कौन कहले जितेबेले आंटी जनक तांको कथाटा बा तांको सिचुएशनटा समस्त को एक्सप्लेन करबा लागिले। व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू द विलेजर्स, जेतेबेले आंटीटा एक्सप्लेन कले गाँ वाला को सम ऑफ देम शोड सिंपैथी, किछि लोक तांको संवेदना देले। सम लाफ्ड एट हर, किछि लोक तांको ऊपर हसिले। एंड ए फ्यू एडवाइस टू मेक पीस विथ जुमन, आ किछि लोक कहले जे तुमे जुमन सहित एमते मिसिकी रहिथाओ। एबे 4 नंबर व्हाई वाज जुमन हैप्पी ओवर अलगुस नॉमिनेशन एज हेड पंच, कहीं जुमन खुशी हो जाता जिते बे से जाना जे अलगुटा हेड पंच होइछि। तार उत्तर हम Juman was happy over Olgu's nomination as head ponch because Juman and Olgu were best friends. Juman खुशी है जिते बड़े जानला जे Olguटा हेड पंच होइछि कारण Juman आउ Olgu थिले बेस्ट फ्रेंड फॉर व्हिच Juman होप दैट द वर्डिक्ट वुड बी इन हिज फेवर आउ जहा द्वारा से आशा करूथिला जे निष्पत्तिटा ता सपक्षरे जीवो. एबे 5 नंबर गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच द आंट सेड व्हाट डिड सी मीन भगवान पंच रो हृदय रे वास करंती आंटी यह कहले आउ तांको यह कहबा मानेटा कोन थिला. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच द आंटी सेड आंटी कहले सी मीन दैट तांको कहबा अनुसार ए पर्सन इन द सीट ऑफ द पंच इज लाइक ए गॉड हु नेवर टेल्स लाय एंड हिज डिसीजन इज द प्योर एंड फेयर फॉर ऑल. जने लोक जदी पंच हिसाब रे बचा जाइए से भगवान भलिया एवं से केबे मिछ कहबो नाही आ से समस्त को समान आखिरी देखिबो आ समस्त प्रति समान निष्पत्ति नेबो. एबे 6 नंबर व्हाट वाज Olgu's verdict as head punch हाउ डिड Juman टेक इट. Olgu रो सुनानीटा कोन थिला हेड पंच हिसाब रे आ एहा को Juman केमिति भाबे ग्रहण कला. यार उत्तर हबो Olgu gave his fair judgment after hearing the case that Juman would either pay a monthly allowance to his aunt or transfer the property in her name. Olgu समस्त कथा सुनि सल्ला परे कहला जे Juman को ता आंटी को किसी अलाउंस टा किसी मासिक भत्ताटा देबाक पड़िबो नचेत सब प्रॉपर्टी जहा ता आंटी को प्रॉपर्टी थिला से सब को ता आंटी को नारे पुणी थरे लिखि देबो. Juman became very angry and became enemy of Olgu. एटा सुनिके Juman बहुत रागी जाइतिला एवं तापरे से Olgu रो शत्रु पलटि जाइतिला who always wanted to take revenge on him जे कि सब बेले ता ऊपर प्रतिशोध नेबाकू चाहतला. एबे 7 नंबर Olgu found himself in a tight spot what was his problem. Olgu गोटे बड असुविधा रे पडि जाइतिला आ से प्रॉब्लम टा कोन थिला. Olgu sold his bullock to Samju Sahu ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज. Olgu ता गोटे ब्लॉक को समझो साहू नामक जने बड़द गाड़ी ड्राइवर को बिकि देथिला हु प्रॉमिस टू पे द प्राइस विदिन अ मंथ जे कि प्रतिज्ञा करथिला जे तांको गोटे मास मध्यरे पैसाटा देइ देबो बड़दर पैसाटा देइ देबो. पर द बुलक डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम किंतु से बड़दाटा से ही समय मध्यरे मरि जाइतिला एंड समझो साहू रिफ्यूज टू पे एवं समझो साहू मना कर देथिला तार पैसा देबा पई. एबे 8 नंबर व्हाई वाज Olgu अपसेट ओवर Juman's नॉमिनेशन एज हेड पंच काहे कि Olguटा दुखित हो जाइतिला जते बेले जानि पल्ला जे Jumanटा हेड पंच हिसाब रे बछा होइछि तो तार उत्तर हबो Olgu वाज अपसेट ओवर Juman's नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज़ Juman बिकेम एनिमी of Olgu and Olgu thought that Juman would take his revenge. Olgu टा अपसेट थिला काहे कि ना जते बेले से जानला Juman टा हेड पंच हिसाब रे नॉमिनेट होई छी आ सेते बेले से आगरो जानि थिला जे Juman टा तारो एनिमी एवं Olgu चौधरी से भाबुतला जे Juman टा एबे तारो प्रतिशोध टा नबो सेति पई से अपसेट होई जैतिला. एबे 9 नंबर What was Juman's verdict as head punch? How did Olgu take it? Juman टा कौन कही दिला हेड पंच हिसाब रे एवं Olgu ता ऊपर केमिति रिएक्ट करथिला. यार उत्तर हबो दिस टाइम Juman आल्सो गेव हिज फेयर जजमेंट एबे Juman मध्ये तारो भलो सुनानीटा सुनैतिला एंड हिज वर्डिक्ट वाज दैट समझो हैड टू पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक to Olgu because when Olgu sold the bullock to Samju it was healthy आ से कहितला जे Samju को पे करिबा को होबो बळदर जते भी टंका होउची ता Olgu को देबा को पड़िबो काहे कि ना Olgu जते बेले bullock को बा बळद को बिक्री करथिला सेते बेले ता फिट थिला बा हेल्दी थिला. Olgu became very happy and said it was the victory of पंचायत. Olgu एहा सुनि बहुत खुशी हो जायतिला एवं कहिला जे एटा पंचायत रो जय होइछि. एबे 10 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सम्स द स्टोरी बेस्ट निम्नलिखित मध्यरो केउ धाडीटा स्टोरी बाबद रे सारांश कहउछि. यार उत्तर हबो द सेकंड लाइन सम्स अफ द स्टोरी बेस्ट दुई नंबर लाइन स्टोरी बाबद सारांश कहूँ कारण बिकज आई थिंक देयर सुड बी नो बैरियर इन द पैथ अफ स्पीकिंग ट्रुथ कारण मत लगुच सत कह कौन बाधाविघ्न होगा कथा नुहे। एबे वर्किंग विथ द लैंग्वेज रिप्लेस द इटालिसाइज्ड पोर्शन ऑफ ईच सेंटेंस बिलो विथ ए सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स मेक नेसेसरी चेंजेस व्हेरेवर रिक्वायर्ड बॉक्स रे दिया शब्द मान फ्रेज मान आम गोटे अलग ढांचा लिखा इटालीय अक्षर लिखा जा शब्द को परिवर्तन करवा तो ताहा मु साइड चेंज कर देछि जेटा कि रिमेन साइलेंट हम कीप मम अनफॉर्चुनेटली दुई नंबर अनफॉर्चुनेटली हम एज इल लक वुड हैव इट 3 नंबर टेक रिस्क्स हम टेक चांसेस 4 नंबर टेकन केयर ऑफ हम लुक्ड आफ्टर 5 नंबर एंड योर क्वारेल हम मेक इट अप 6 नंबर डिफिकल्ट सिचुएशन हम ए टाइट स्पॉट 7 नंबर फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड हम माय हार्ट सेंक 8 नंबर एग्जामिन हम गो इनटू 9 नंबर एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट हम स्वालोड 10 नंबर फ्री मी फ्रॉम ओरी हम एज माय कॉन्साइंस। एबे 8 नंबर लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग यूज द फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो तले दि जाइए फ्रेज मानने एवं तार अर्थ ताकू नहीं डेस्क पूरण करवा। 1 नंबर हम व्हाई डोंट यू सेट डाउन your ideas on paper. The number a fund has been set up for the soldiers' families. The number we should set aside a little money every month. The number you should buy some woolen before winter set in. Pancha number they set out on the last stage of their journey. Dictation. Your teacher will speak the words listed below राइट एगेंस्ट इच ए वर्ड अपोजिट मीनिंग टीचर कहिबे एवं तार विपरीत अर्थ विपरीत शब्द आमे कहिबा। 1 नंबर ओल्ड रो हबो न्यू पुराणा रो हबो नुआ 2 नंबर वेट रो ड्राई 2 नंबर रो वेट माने ओदा ड्राई माने सुखिला 3 नंबर ओपन रहबो क्लोज खोला रहबो बंद 4 नंबर ब्लंट रहबो शार्प 5 नंबर फॉरगेट रहबो रिमेम्बर भूली जीवा रहबो मन रखिबा। एबे एठारे हम फेयर प्ले चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर सब सर जाइछि वीडियोटी आपण मानको कि पय लागला कमेंट माध्यम रे जणाइबे एवं आपण केउ ओय भेर पढुछन्ते ताहा मध्ये कमेंट माध्यम रे जणाइबे आ वीडियोटी जदि भल लागिला लाइक शेयर कर देबे जे माने ए वीडियोटी को प्रथम थर देखुछन्ते सेमाननको अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।